शिमला ग्रामीण के चारों वार्ड के लोगों की एक बैठक को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे नगर निगम के चुनावों को हल्के से बिल्कुल ना लें। उन्होंने कहा कि जिस भी उम्मीदवार को पार्टी आला कमान चुनाव मैदान में उतारेगी, सभी को एकजुटता के साथ उसका समर्थन करते हुए पार्टी की जीत के लिए कार्य करना होगा। आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ की गई, खास करके मैं शिमला ग्रामीण का विधायक हूँ और यहाँ के हमारे चार वार्ड जो है वो इसमें आते हैं, तो वहाँ के सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। जो आवेदक है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो हमने यही निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो कमेटी हमारी दोनों वार्डों के अंदर जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगी, वहाँ के आम लोगों के साथ बात करेंगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी जाएगी और उसके बेसिस पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि किसको पार्टी का टिकट देना है। क्योंकि इस बारी जो चुनाव जो है वो पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने में प्रदेश की जनता की और ख़ास करके मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो फिर से वो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे और हम मिलकर आने वाले समय में इस इलाके के मसलों को उठाएंगे, यहाँ के विकास कार्यों को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज जो ये बैठक रखी गई थी खास रूप से सभी आवेदकों से मिलने के लिए और खास रूप से ये भी कहने के लिए कि पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसलिए हमको डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी का होगा वही जो है उसी के लिए ही पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो कार्य करेगी। मुद्दे तो हर वार्ड के अलग अलग मुद्दे हैं, कहीं पे पानी का है, कहीं सड़क का है, कहीं दंगे लगने हैं, कहीं सुवेज का है और कहीं आपके पार्किंग का है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब शिमला शहर के कई हमारे जो है वो मर्ज्ड एरियाज़ भी है, काफ़ी समय से मर्ज हो चुके हैं मगर अभी भी वहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी लाने की बात है, या जो है एनजीटी के बहुत से मसले हैं उनको भी हमने आने वाले समय में सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें, बहुत से कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं शिमला शहर के अंदर तो उनके अपने मसले हैं, हालांकि कर्मचारियों के लिए हमने बहुत बड़ी सौगात चुनावों के बाद दी है, ओपीएस को प्रदेश के अंदर बहाल किया है, मगर और भी अगर उनके कोई मसले उनको भी हम सुनेंगे और जो भी उसमें हम अपनी ओर से कर सकते हैं आने वाले समय में जैसा हम अभी कहेंगे और चुनावों के बाद जो है उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।